जब मार्केट में इतनी बढ़िया अरबी आ रही हो ना, तो इस रेसिपी को जरूर ट्राई करें, जो खाते ही मुंह में घुल जाए और जिसका स्वाद घंटों जुबान से ना जाए। ये बहुत ही टेस्टी रेसिपी है, एक बार जरूर बनाएं। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। आधा किलो अरबी ली थी, देखिए हमने गोल अरबी ली थी, पहले तो इसमें बहुत मिट्टी थी, एक बार तो वॉश करने के बाद इसे हमने छील लिया है। छीलने के बाद अभी हमने वॉश नहीं किया है, इसे दो भागों में काटा है, ये देखिए इस ढंग से। सारी अरबी को अपने इसी ढंग से काट कर तैयार किया है। अब मैं इसमें क्या करूंगी, थोड़ा सा डाल देती हूँ नमक, क्योंकि इसमें चिपचिपापन होता है ना, तो नमक लगाकर अगर हम 10-15 मिनट इसको ढककर रख देते हैं तो इसका चिपचिपापन काफी हद तक कम हो जाता है। उसके बाद इसको हमने अच्छे से वॉश करना है। देखिए हमने 10 मिनट तक इसमें नमक लगा के रख दिया था, उसके बाद नलके में अच्छे से छन्नी में डालकर इसे वॉश किया है। तो ये देखिए इसका जो चिपचिपापन होता है ना, काफी हद तक कम हो जाता है और ये गलती भी बहुत अच्छे से है। देखिए मैंने एक कढ़ाई में ना थोड़ा सा डाला था सरसों का तेल, उसको पहले तेज गर्म कर दिया था, फिर गैस को बंद कर दिया। ये थोड़ा ठंडा हो गया है क्योंकि बहुत तेज हमें गर्म तेल नहीं चाहिए। अब ये थोड़ा ठंडा हो चुका है तो गैस को मैंने दोबारा ऑन कर दिया है। सारी अरबी डाल रही हूँ इसमें। देखिए तेज गैस पर इसको अलटते पलटते हुए करारा होने तक हम पहले फ्राई करेंगे। देखिए ये हो गए हैं, पहले 5 मिनट हमने इसको तेज गैस पे किया, उसके बाद स्लो करके इसे ढककर पकाया कि अंदर तक ये पक जाए। टोटल 7-8 मिनट लग गए हैं। अब ये बहुत अच्छे से अंदर तक सॉफ्ट हो चुकी है, तो इसको हम ऑयल झाड़कर एक प्लेट में निकाल लेते हैं। अभी हम गैस को बंद करकर कढ़ाई को साइड में रख रहे हैं। हमने एक छोटा पैन लिया है, गैस को ऑन कर दिया है। मैंने एक चम्मच लिया था साबुत सूखा धनिया, जिसे धनिया के बीज भी कहते हैं, इसको मैंने हल्का हल्का क्रश कर लिया है। और इसके साथ ही मैं इसमें डाल दूंगी 1 टेबलस्पून बेसन, थोड़ा सा भुनेंगे अच्छी सी खुशबू आने तक, बिना ऑयल बिना घी के। देखिए अभी हल्की हल्की खुशबू आनी शुरू हो गई है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ 1 टीस्पून कसूरी मेथी, इसको भी हमने भूनना है इसके साथ ही। और इसके साथ ही हम इसमें डाल देंगे 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्ची। देखिए आप चाहे तो पिसी हुई भी डाल सकते हैं, आप चाहे तो चिल्ली फ्लेक्स भी डाल सकते हैं। अब गैस को बंद कर देते हैं, पैन गर्म है इसलिए मैं चला रही हूँ। देखिए वही कढ़ाई रख ली है, वही ऑयल है, इसे हमने गरम कर लिया है। अब डाल देंगे 1/2 टीस्पून अजवाइन। अरबी में अजवाइन बहुत टेस्टी लगती है, जरूर डालें। और 5-6 कलियां लहसुन की ली थी, छीलने के बाद उनको मैंने पतला और लंबा काट लिया है। इसको हम थोड़ा सा चला देते हैं। डालेंगे कुछ मसाले, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर डाल रही हूँ, 1 टेबलस्पून डाल देंगे धनिया पाउडर, 1/2 टीस्पून मैं इसमें डाल रही हूँ जीरा पाउडर। अच्छे से मिक्स कर दें। 1 टीस्पून नमक डाल रही हूँ, आप स्वाद अनुसार डालें। और 3-4 हरी मिर्ची को मैंने बीच में से चीरा लगा के लिया है, थोड़ा सा भून लें। ये कम तीखी वाली है, ज्यादा तीखी नहीं है। देखिए 2 प्याज को मैंने ना लंबे ढंग से काटा, थोड़ा मोटा मोटा काटा और इस ढंग से खोल लिया है। 2 मीडियम साइज की प्याज थी और इन्हें थोड़ा सा इसमें मिक्स कर देना है। ये अच्छे से प्याज जो है ना मसाले में मिक्स हो गई है। अब अरबी भी डाल देते हैं, इसे भी मिक्स कर दें। देखिए गैस को स्लो कर हमने ढककर पकाना है, जो अरबी में कसर है वो पूरी हो जाए तब तक इसे हम पका लेंगे, लेकिन बीच बीच में चलाते जरूर रहेंगे। 5-7 मिनट हो गए हैं, 2 बार इसको हमने बीच में चला भी दिया था। देखिए अरबी हमारी बहुत अच्छे से गल चुकी है, ये देखिए बहुत अच्छे से अरबी गल चुकी है। तो अब इसमें हम डाल देंगे 1/4 टीस्पून गरम मसाला, 1 टीस्पून डाल रही हूँ आमचूर पाउडर, 1/4 टीस्पून मैं कलर वाली लाल मिर्ची डाल रही हूँ,
थोड़ा सा डाल देंगे बारीक कटा हुआ हरा धनिया। देखिए अब जो हमने भूनकर तैयार किया था बेसन, धनिया और कुटी हुई लाल मिर्ची, वो इसमें डाल देते हैं। अच्छे से मिक्स करेंगे। ये बनकर तैयार है, हम गैस को बंद कर देंगे। आप इसको चपाती के साथ खा सकते हैं, परांठे के साथ खा सकते हैं, पूड़ी के साथ ये बहुत टेस्टी लगेगी। आप इसे जरूर ट्राई करें। हम जल्द हाजिर होंगे एक और नई रेसिपी के साथ। धन्यवाद।